like a bell cut. Hi guys, welcome back to my channel. And guys, मेरा नाम है रुद्र कापड़िया, आप देख रहे हैं आर्टिस्ट रुद्र कापड़िया। तो दोस्तों, आज की इस नई और ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जोकर की ड्राइंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस ड्राइंग में मैं ग्रेफाइट पेंसिल को यूज करूंगा, HB, 2B, 4B, 6B, 8B, इन सारी ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करूंगा। और दोस्तों, शेडिंग करने से पहले हमें पहले शार्प करना चाहिए, तो हम पेंसिल को शार्प कर देंगे और फिर ही शेडिंग करेंगे, क्योंकि शार्प शेडिंग से बहुत स्मूथली और बहुत नीट एंड क्लीन शेडिंग हो पाती है इसीलिए। और गाइस, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप जो शार्प करते हैं उसकी जो ना वो हम एक डिब्बे में रख सकते हैं, क्योंकि हम जो डस्ट होगी वो हम बार बार फेंकने जाएंगे तो हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, और हम जो ड्रॉ करते हैं वो भी हमको बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस, इसीलिए ये एक टिप थी। और गाइस, आप देखते रहिए कि मैं कैसे शेडिंग करता हूँ। तो गाइस, अभी मैं स्किन टोन को देने के लिए मैं HB का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आप करते रहिए। और एक आंख को मैंने दे दी है, अब मैं दूसरी वाली आंख को दे रहा हूँ। अब मैं नोज के एरिया में शेडिंग कर रहा हूँ, ये भी HB पेंसिल से करूँगा। फिर धीरे धीरे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ऐसे करके करके मैं ड्राइंग को दे दूँगा। ये भी मैं HB पेंसिल से कर रहा हूँ। पहले सब मैं HB पेंसिल से कर लूँगा, फिर धीरे धीरे से मैं आगे बढ़ूँगा HB, 2B, 4B, ऐसे करके। और जिस पोजिशन पे हाईलाइट है वो पोजिशन मैंने छोड़ दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब मैं धीरे धीरे टोन दे रहा हूँ, देखिए। धीरे धीरे टोन दे रहा हूँ। अब मैं ऊपर का हिस्सा कर लूँगा पहले। देखिए गाइस, ये मैंने दूसरी पेंसिल ले ली है, अभी 2B पेंसिल ली है। अब मैंने 4B पेंसिल ली है। और गाइस, यहाँ पर मैंने 6B पेंसिल ली थी, अब मैं मैकेनिकल पेंसिल से हाईलाइट दे दूँगा और फिर मैं मैकेनिकल पेंसिल से धीरे धीरे स्ट्रोक दूँगा। यहाँ पर मैंने वीडियो टाइम लैप्स की है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है, पर आप जल्दी जल्दी ऐसे स्ट्रोक मत देना। आप पहले अंदर हेयर को देखना और फिर स्ट्रोक देना, ऐसा नहीं कि हमें अंदर जैसा है वैसा ही बनाना है, और अपने ख्याल से बनाना होता है हेयर को। एक एक बाल को हम नहीं दे सकते वैसे। अब मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल से आँख को दे रहा हूँ।
देखिए गाइस, मैं धीरे 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 आईब्रोज को भी दे रहा हूँ और धीरे धीरे मैं डार्क वैल्यूज भी कर रहा हूँ। आप मुझे देखते देखते ड्राइंग बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा मेरी तरह ही है, आपकी भी ड्राइंग बनेगी। और गाइस, यहाँ पर मैं स्किन पर छोटे छोटे डॉट है वो दे रहा हूँ, छोटे छोटे डॉट। और यहाँ पर मैंने लिप्स को भी दे दिया। ये गाइस, मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। सो गाइस, ये ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है, ये होममेड ब्लेंडिंग स्टम्प है, मैंने खुद घर पर बनाया है। आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस, यहाँ पर मैंने हेयर को भी ब्लेंड कर दिया है और यहाँ पर मैं नेक को भी ब्लेंड कर रहा हूँ। मेरे पास नेडेड इरेजर नहीं है, इसीलिए मैंने डोम्स को का इरेजर को लेके मैंने दे दिया है। और यहाँ पर मैं क्लोथ्स को फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लोथ्स में मैं डार्क वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ। और फिर मैं ब्लेंड कर दूंगा। अभी गाइस, मैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।